पानी में एटमी पराक्रम, देखें किसमें कितना है दम। यह आत्मविश्वास इसलिए क्योंकि समंदर में हिंदुस्तान की वो मिसाइल चली है जिससे अमेरिका से लेकर चीन तक खलबली है। भारत की न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत ने बंगाल की खाड़ी में शक्ति प्रदर्शन किया है। हिंदुस्तान दुनिया के उन देशों में शुमार हो गया है जो जब चाहे पानी के अंदर से एटम बम का गुरिल्ला वॉर कर सकता है। हिंदुस्तान की ये शक्ति दुनिया के शक्ति संतुलन के लिए जरूरी हो गई थी, इसलिए अब TV9 पर सुपर एक्सक्लूसिव में देखिए अरिहंत की परमाणु टेस्टिंग, अंडर वाटर एटमी अखाड़ा हिंदुस्तान ने परचम गाड़ा। बंगाल की खाड़ी में मिसाइल चली, अमेरिका से चीन तक मची खलबली। ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान की सबमरीन से निकली एक मिसाइल ने दुनिया की हर सुपर पावर को चौंका दिया? हिंदुस्तान ने पानी में ऐसे कौन से शस्त्र का संधान किया कि अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे पानी के पराक्रमी भी हैरान हैं? इस बार जब महायुद्ध होगा, जल में कुरुक्षेत्र होगा। पनडुब्बी पावर बेजोड़ है। अमेरिका भी अंडर वाटर जंग के लिए या पानी के अंदर जंग करने के लिए रूस से डरता है। जमीन पर बारूदी खेल चल रहा है, लेकिन इस बीच अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि दुनिया भर की महाशक्तियां तैयार नजर आती हैं पानी के अंदर अंडर वाटर जंग करने के लिए। पानी में परमाणु प्रहार मचा देगा हाहाकार। अमेरिका रूस की न्यूक्लियर सबमरीन्स का बहुत बड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका सबसे घातक और सबसे मारक कोलंबिया क्लास न्यूक्लियर सबमरीन को तेजी से तैयार कर रहा है, लेकिन अचानक पानी के नीचे इतनी खलबली क्यों मची? अंडर वाटर अदृश्यम, जल दैत्य में कितना दम? चीन ने दुनिया की पहली ऐसी अदृश्य पनडुब्बी बनाई है जिसे डिटेक्ट करना तकरीबन नामुमकिन है। पानी में चीन के टेढ़े तेवरों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने जुलाई में कमीशन हुई अपनी सबसे नई पनडुब्बी को ताइवान के पास तैनात कर दिया है। आखिर चीन को जल युद्ध की इतनी जल्दबाजी क्यों है? जल में एटम मिसाइल, फिर बुद्धा इस्माइल। जब पूरी दुनिया में जमीन के ऊपर और पानी के नीचे उथल पुथल मची थी, तब बुद्ध फिर मुस्कुराए। हिंदुस्तान ने एक बार फिर शस्त्र और सामर्थ्य से शांति की स्थापना करने का संकल्प किया है। चौदह अक्टूबर को हिंदुस्तान ने खामोशी से एक बहुत बड़ा शस्त्र संधान किया। बंगाल की खाड़ी में INS अरिहंत पनडुब्बी पर तैनात भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने चुपचाप एक ट्रिगर दबाया और पानी के नीचे भारत के सामर्थ्य की मची खलबली दुनिया भर में फैल गई। INS अरिहंत सबमरीन से परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइल लॉन्च हुई। मिसाइल का नाम था K-15 SLBM। इसका टारगेट 750 किलोमीटर दूर था। मिसाइल ने बिल्कुल तय वक्त में 750 किलोमीटर की दूरी तय की और बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट किया। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि अब भारत
पानी के अंदर से भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। INS अरिहंत के माध्यम से जो K-15 नामक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, उससे निसंदेह भारत की नौसेना की शक्ति और अधिक सशक्त और मजबूत होगी और भारत का जो ओवरऑल डिफेंस पॉस्चर है वो मजबूत होगा और ये निसंदेह चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज को एक चेतावनी है और इससे जो भारत का न्यूक्लियर ट्रायड है वो और अधिक मजबूत होगा। हिंदुस्तान के पास अब हवा से, जमीन से और पानी के नीचे से कहीं से भी एटम बम दागने की क्षमता है, वो क्षमता जो अब तक दुनिया के सिर्फ 5 देशों के पास थी। सबसे पहले यह ताकत अमेरिका ने हासिल की, उसके बाद रूस सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने वाला देश बना, फिर ब्रिटेन ने अंडरवाटर न्यूक्लियर खलबली मचाने की क्षमता हासिल की और फिर फ्रांस ने, उसके बाद चीन ने। चीन को चुनौती और पाकिस्तान की न्यूक्लियर कीदर भभकियों को जल का जवाब देना जरूरी था, इसलिए भारत दुनिया का 6th न्यूक्लियर ट्राइड देश बन गया। दुनिया भर की सुपर पावर के बीच पानी के अंदर उथल पुथल मचाने और सबमरीन से एटमी मिसाइल दागने की होड़ मची है, क्योंकि दुनिया की जमीन पर एटमी जंग का खतरा है।